एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के सर्च में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर ऐप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो आपको दिखाऊंगा कि Flipkart में जो है प्रोडक्ट की ट्रैकिंग आईडी को जो है कैसे फाइंड किया जाता है या उसे जो है कैसे ढूंढा जाता है, और उसको आप कॉपी करके कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट के जो है डिटेल पता कर सकते हैं वो कहाँ तक पहुँचा। तो चलिए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और दिखाता हूँ आप कैसे जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो Flipkart की ट्रैकिंग आईडी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है Flipkart को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है Flipkart को ओपन कर लिया हूँ। फिर उसके बाद आपको सबसे ऊपर टॉप राइट में तीन लाइनें दिखेगी, यानी कि थ्री लाइन्स, तो आपको वहाँ पर टच करना है। फिर उसके बाद आपको जो है माई ऑर्डर्स पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपका 50% काम जो हो गया। माई ऑर्डर्स में जाने के बाद आपके सारे प्रोडक्ट जो भी हैं आपने ऑर्डर किए वो सारे शो कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके जिस प्रोडक्ट की ट्रैकिंग आईडी आपको चेक करनी है तो उस प्रोडक्ट को जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं ये ग्राफ दिख रहा है नीचे जाने ऑर्डर्स प्लेस शिपिंग, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे करेंगे ये जूम आउट हो जाएगा और ये पूरे पेज में खुल जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा ई कार्ड लॉजिस्टिक और पीछे नंबर लिखा होंगे कुछ FMPC और पीछे नंबर भी जो कुछ भी। ये जो नंबर हैं ये आपकी Flipkart की ट्रैकिंग आईडी है और इसे आप कॉपी कर पर किसी को भेज सकते हैं या सेंड कर सकते हैं या जो कोई भी मांगे। तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस का यूज़ करके जो है आप Flipkart की ट्रैकिंग आईडी को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।